नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं सभी को कोलकाता लवबर्ड पे। आज अविनाश दा की जगह मैं इंट्रोडक्शन कर दे रहा हूँ। आज अविनाश दा बहुत दिन बाद फिर से आया है। एक्चुअली आज आने का मेन मोटो है कि अविनाश दा कुछ दिन से मेरे को बोल रहा है कि आपका जो मॉन्क है उसका चिक्स मेरे को दिखाना है, मतलब मेरे को भी देखना है और मेरा व्यूअर को भी दिखाना है। हम बोला कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, डेफिनेटली देखिए, ठीक है। और वो भी नेचुरल डाइट में कैसे उसको मेंटेन करके रखा हूँ, विदाउट एनीथिंग, जस्ट नॉर्मली बॉक्स दे के उसको ब्रीड लिया, वो भी बहुत कम शॉर्ट टाइम में। चलिए तो यह प्यास है ब्लू मॉन्क प्यास की। एक्चुअली अननोन पर्सन को देखते हो बहुत शोर करता है, हाँ, अदरवाइज शोर नहीं करता है, वो अपना हिसाब से रहता है, शांत रहता है ना, शांत रहता है, पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे मॉन्क है, कोई बोल नहीं सकता है, बिल्कुल सोचा भी नहीं जाता, कुछ नहीं करता, बिल्कुल नहीं। बस खाने का टाइम में उसको खाना बराबर टाइम में देना पड़ेगा, हाँ, नहीं तो बहुत शोर करेगा। अच्छा, क्योंकि फास्ट फूड के लिए उसका भी बहुत रिक्वायरमेंट है। हाँ, कितना चिक्स आया है दादा इस बार? चिक्स अंडा दिया था 5, हाँ, उसमें से आपका 3 हैच हुआ, 3 चिक आया है, 3 चिक। फर्स्ट टाइम 5 में 5 ही आया था, हैच हुआ था, हाँ, लेकिन वो खिलाया नहीं था। अच्छा, एक्सपीरियंस कम था इसका। अच्छा, तो सारा चीज़ एक्सपायर कर दिया? हाँ, सारा चीज़ एक्सपायर कर दिया। मैं लाभबट के नीचे भी पोस्टर किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको मैं दिखाया था। हाँ, मतलब आपने पूरा कोशिश किया था। हाँ, कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। चलिए दादा, पेशेंस रखा आपने, सक्सेस आपको आखिर में मिला। बड़ा हो गया ना, बड़ा हो गया दादा। ये सेकंड बच्चा है, ये मीडियम साइज का है, इससे बड़ा है कि मैं निकाल रहा हूँ, एक मिनट। पूरा फीड इतना भयानक फीड कर रहा था। हाँ, मॉम काफ़ी अच्छा पेरेंट्स है दादा, काफ़ी अच्छा चिक्स को खिलाता है। इसका जो पैर में है ना, ब्रेस कैल्शियम के कारण उसका थोड़ा पैर ये हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, नेक का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। देखिए फिर 3 ब्लू मॉन्क पैराकिट का चिक माला फिट पे बड़ा हो रहा है। बहुत कोई बोला हैंड फीडिंग पे ले लो, हम बोला नहीं, खुद पालना है, पालना है। हाँ दादा, उसको मौका देना चाहिए, वो लोग को हैबिट करना चाहिए। इस टाइम में मैं अगर हैंड फीड में उठा लूँगा, राइट, और इसका देखिए नेक्स्ट बॉक्स के ऊपर मैं झाड़ू वाड़ू वगैरह कुछ नहीं। हाँ, वही तो देख रहा, कुछ नहीं दिया, सिंपल सा कुनूर की तरह आपने ट्रीट किया, कुनूर की तरह नेक्स्ट दिया। हाँ, जैसे अदर बर्ड्स को ट्रीट करते हैं वैसे ही करा, कोई झाड़ू वाड़ू देने की जरूरत ही नहीं है। बर्ड्स को आप जो हॉबी में आप उसका ठीक कराओगे, सेट कराओगे, हाँ, उसी हॉबी में बस उसको नेचुरल इन्वायरमेंट होना चाहिए। अभी पूछना चाहूँगा, आप खाना पीना क्या दे रहे हैं इस टाइम मॉन्क को? मॉन्क को इस टाइम में सॉफ्ट फूड में मैं जो देता हूँ वो अफ्रीकन लवबर्ड का जो सुबह का जो सॉफ्ट फूड होता है, हाँ, वही देता हूँ। विदाउट एनी मतलब फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं खाता है, फूड नहीं खाता है, फूड का हैबिट नहीं है, फ्रूट्स नहीं खाता है। अभी तक मैं तकरीबन बहुत टाइम से कोशिश किया, हाँ, खिलाने का, लेकिन फूड खाया नहीं। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा शौक है अफ्रीकन लवबर्ड्स का मिक्स सीट खाने का। अच्छा, मिक्स लवबर्ड का ही मिक्स सीट खाता है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, और दोपहर में राइस खाता है, बॉयल राइस के साथ। एक दिन आप जैसे लवबर्ड का हम एवरीडे चेंज करते जाते हैं राइस के साथ, कुछ एक दिन पत्ता दे दिया, कोई ग्रीन्स दे दिया, ठीक है, कोई किसी दिन अंडा दे दिया। अभी तो गर्मी है, अंडा का योक को छोड़ के ओनली प्रोटीन के लिए उसको बाहर का ही जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है वही देते हैं। तो लवबर्ड को भी देते हैं तो उसको भी दे देते हैं एक कटोरा। अच्छा, वो खुद खाता है, नरम है, इजीली खा के पूरा बच्चे को भी फिट कराता है। आपको दिखा दिया कि वो क्या फिट कराया? हाँ हाँ हाँ, पूरा भर के पूरा राइस फिट कराया, पूरा राइस है। अच्छा, तो अभी मैं एक कटोरा राइस था, एक भी अभी राइस नहीं है।
मैक्सिमम 15 या 20 मिनट में पूरा एक कटोरा राइस खत्म कर देता है दोनों मिलकर। अच्छा, तो सुबह में भी वही एक कटोरा उसको पूरा मिक्स डाल दे देता हूँ। और मिक्स सीड का जो क्वांटिटी है वो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन मिक्स सीड डालता हूँ। मतलब बर्ड्स जो है 90% आपका सॉफ्ट फूड के ऊपर है। अच्छा अच्छा, 10% उसको सीड्स रिक्वायरमेंट उसको दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, क्योंकि सीड्स वो जो खाता है वो लार्वा का ही मिक्स सीड खाता है। अच्छा। नॉर्मल कंगनी दाना खाता है। हाँ, छोटा वाला कंगनी है ताकि इजीली डाइजेस्ट हो जाए बर्ड्स को। और बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है मिक्स सीड में, जो जो होता है ओट्स वगैरह, कैनरी हो गया, मिलेट हो गया, जो जो मिक्स रहता है क्वांटिटी के हिसाब से। गर्मी में अभी क्वांटिटी कम होता है हीट खाने का, तो उस हिसाब से वो ही खाता है। तो आपका बात सुन के जो लगा तो एकदम सिंपल सा उनका डाइट है। हाँ, सिंपल सा खाना पीना है, मतलब कोई अलग से कुछ कुनूर के लिए जैसे आप फ्रूट्स काट के दो एवरी डे, ये ऐसा कुछ खाता ही नहीं है। और कैल्शियम विटामिन नहीं कि मैं दिया नहीं, मैं दिया हर टाइप से कोशिश किया, छोटा करके दिया, बॉयल करके दिया। बहुत कोई बोला एप्पल को बॉयल करके दो, वो तो क्या उसका बाप भी खाएगा, लेकिन वो तो क्या, वो तो हमको खिला खा लेना पड़ा फिर लास्ट में। लेकिन वो नहीं खाया, हम फिर लास्ट में छोड़ दिया। हम बोला छोड़ो भाई, उसको जो पसंद है वही खाने दो। तो उसमें देखा तो बड़ोबर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसका रिक्वायरमेंट जो है बस वो फुलफिल होना चाहिए, क्योंकि उसको हर तरीके का विटामिन प्रोटीन मिक्स दाल से मिल जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट जो चाहिए बच्चे को फिट के रहने के लिए बहुत ईजी होता है, दोपहर में राइस दे दे रहा हूँ। सोर्स ऑफ प्रोटीन में अंडा भी उसको मिल जा रहा है। बाकी मिक्स दाल सॉफ्ट फूड के अंदर उसको बहुत सारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स मिल जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अलग से और कोई रिक्वायरमेंट आई थिंक नहीं है। तो दादा एक चीज़ मैं देखा हूँ आपके इधर मॉन्ग का बारे में, जी आप काफ़ी सिंपल से मॉन्ग को रखे, उसका नेस्टिंग भी ऐसा कुछ मतलब झाड़ू वगैरह देके पूरा पिंजरा भर दिया ऐसा भी बात नहीं है। आप देखा पूरा नीट एंड क्लीन है। हाँ, वो तो देखा भाई, दादा साफ सुथरा है। हाँ, और आपने तो शायद बोला कैल्शियम विटामिन भी अलग से यूज नहीं करते। ओनली सॉफ्ट फूड के ऊपर। हाँ, ये मत सोचिए कि कैल्शियम विटामिन का रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं उसको खाने से ही कंप्लीट करा देता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हाँ सिंपल सा रखा थे सुमित्रा, एक्चुअली शौक के वजह से लेके आए थे। सुमित्रा तो मेनली हॉबीस्ट है लबर्ड के ऊपर, आप सभी जानते हैं। तो मॉन्ग को मतलब शौक की वजह से लेके आए थे और आने का बाद ही मॉन्ग बीट किया था। फर्स्ट वीक में मतलब फर्स्ट मंथ पे ही बीट किया। हाँ, पाँच एक दिया था, पाँचों चिक्स आया था, लेकिन अनएक्सपीरियंस होने के वजह से कोई भी चिक्स एक्सपायर नहीं बचा नहीं पाए। लेकिन सुमित्रा ने किसी पर हैंड फीडिंग पर उठाया नहीं, पेशेंस रखा, उनको फिर से मौका दिया और सेकेंड टाइम देखिए फ्रेंड्स, फिर से पाँच एक दिया था और उनमें से तीन चिक को सक्सेसफुली उसने पाल लिया। तो यही होता है तरीका। इसको जो है और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आप वजह आप उसको लकड़ी वगैरह देने के वजह कुछ नेचुरल इन्वायरमेंट दो। हाँ, ताकि बर्ड्स ये चीज़ आप कवर कीजिए। देखिए मैं दोनों तरफ से उसको नेचुरल इफेक्ट दिया, उसको क्या लग रहा है कि मैं अभी जंगल में हूँ। अच्छा ठीक है, मैं वाइल्ड में हूँ, तो इसीलिए उसका नेचर भी उसको लग रहा है कि वो वाइल्ड में है, तो उसका ब्रीड भी वाइल्ड जैसा, उसको कोई डर नहीं है, उसका कोई मतलब प्रतिद्वंदी नहीं है यहाँ पे, वो अकेला ही यहाँ का राजा है, उसको ये फील हो गया है अभी। इसे शोर शराबा भी ज़्यादा नहीं करता। नहीं, शोर शराबा भी नहीं करता है। देखिए अभी तो है, आपको पता चल रहा है अभी मॉन्ग है, तो केस का साइड में आ गया, लेकिन जैसे ही आप केस का सामने जाओगे वो लेकिन आपको अटैक करेगा। हाँ, क्योंकि अभी तो बच्चा है ना उसके पास। हाँ, वो जाने नहीं देगा आप। हाँ, बहुत एग्रेसिव है। देखिए जैसे ही आप नीचे किया कैमरा वो ये कर रहा है, लेकिन यहाँ से वो कोई शोर नहीं करेगा, जब तक आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे वो आपको कुछ नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स लास्ट में मैं यही कहूँगा, जब बर्ड्स आप प्यास से ले आइए, प्यास से उसको रखिए, कोई एक्सपेक्ट मत कीजिए बर्ड्स से, तभी जाके आप सेटिस्फाई रह पाएंगे। और फ्रेंड्स हो गया तो बड़ी बात है। हाँ, नहीं हुआ तो टाइम पेशेंस रखिए, कभी ना कभी हो जाएगा, कभी ना कभी हो जाएगा, यही बात है। इसी वजह से आज आए, मॉन्ग को कवर किए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सुमित्रा, हम सबके तरफ से। ठीक है, आई थिंक बहुत कोई सोच रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये बर्ड जो है पूरा लार्वा का हो गया। एक्चुअली मेरा जो है लार्वा का ऊपर है। हाँ, तो पूरा एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ पे घुसा दिया लार्वा का, और इससे सक्सेस मिल गया आपको। हाँ, ये देखिए सीड भी देखो, पूरा दो बर्तन दिया हुआ है इसमें, देखो पूरा लार्वा का सीड है, पूरा खा के ख़त्म करिए। हाँ, गुड़ा कर दिया, पूरा पाउडर कर दिया।
अभी भी चेंज नहीं करेंगे, रात में रखेंगे। लास्ट दो दिन पहले दिया था हम सेब। अच्छा, कल भी नहीं दिया था, उसका अगले दिन इवनिंग में दिया। अरे जो आपने 25 लगाया, ये भी कभी अच्छा लगाया दादा, कभी ये कभी इंजॉय करते हैं। हाँ, 25 लगाया, ऊपर से आता है, नीचे पानी पीता है, नीचे खाता है, फिर यहाँ से चल के ऊपर जाएगा। मतलब इनको अच्छा लगना चाहिए, इनको इनका इन्वायरमेंट पसंद आना चाहिए, तभी ये लोग अच्छे से रहेंगे। जब अच्छे रहेंगे तब नेचुरल लोग के बीच एक कटोरा ऐसा भर के दिया, देखो यहाँ पे पूरा खत्म कर दिया, मैक्सिमम 15 मिनट में खत्म करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हम जो लाभबर्ट का हर एक बॉक्स में नहीं जाएंगे, केवल बीडिंग चल रहा है, बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी ज़्यादा है ज़्यादा, तो कुछ एक्सेप्शन जो चीज आपका जो बेस्ट अचीवमेंट है, कुछ आपने जो चीज रखे हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो ही खत्म करेंगे, नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग लाभबर्ट में जाएंगे और कुछ स्पेशल चीज को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।